तो ये देखिए मंदिर, ये मंदिर में हम लोग आए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर है। आज महाशिवरात्रि है, देखिए धूमधाम से सब पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा टाउन से बहुत बाहर है, इसलिए थोड़ा ही आदमी लोग हैं इस समय। मैंने तो पूजा कर लिया, मैंने अपना ड्यूटी ख़त्म किया। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में आपका मंदिर में जाके पूजा कर लिया, उसके बाद में मैंने प्रसाद भी खाया। लेकिन मैडम और कविश ये लोग पूजा नहीं किया था, इसलिए ये लोग पूजा करने के लिए आए हैं। तो जब तक ये लोग पूजा करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा ये मंदिर दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, इधर में खिचड़ी खिला रहा है, खिचड़ी पक रहा है, सॉरी खिचड़ी खिला रहे हैं इधर में। हाँ, इधर में खिचड़ी पक रहा है, तो प्रसाद इधर का दिमापुर का सबसे ज़्यादा खिचड़ी होता है, तो खिलाया जाता है। ये देखिए कितना सुंदर से लोग पूजा कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सबको मंगल, सबका जिंदगी मंगलमय रहे, सबका जो आशा है वो पूरा हो और सब जिंदगी में सुरक्षित रहे। मैं आपको थोड़ा इसका आगे रास्ता दिखाता हूँ। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे, मैं जिस तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ उस तरफ अगर आप जाएंगे तो थोड़ा ही दूर में मिलेगा आपको DPS यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा ठेले को तरफ मिलेगा आपको, तो बीच में ये मंदिर है। देखिए दिन में और सुंदर लगना था, लेकिन बहुत अच्छा सा लाइटिंग किया हुआ है इस मंदिर को, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो पूजा कमेटी है इधर में, पूजा कमेटी का मेंबर लोग कोछारी है, बंगाली है, नेपाली है, आपका जितना भी वो है बिहारी भी है, सब किस्म का मिल जाएगा आपको लोग। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, 2002 में इसका स्थापना किया गया। तो सोचा था बहुत बड़ा मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे, एक जो दिमापुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है रांगा पहाड़ शिव मंदिर, लेकिन मेरा टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से, मेरा ड्यूटी होने की वजह से मैं उधर नहीं जा पाया और नहीं दिखा पाया। तो इसलिए सोचा कि आप लोगों को ये मंदिर दिखा दूँ। अच्छा, मैंने इतना देर से नहीं दिखा ये चीज़, देखिए कितना अच्छा से नंदी महाराज को भी अच्छा बनाया गया है दोनों तरफ। ये देखिए जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताइए आप लोगों ने पूजा कैसे एंजॉय किया, कमेंट में बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ गए, मेला घूमे या नहीं घूमे, और मेला में आपने क्या क्या देखा। और सबसे बड़ा चीज़ जो भगवान शिव का प्रसाद है भांग, वो खाए ना नहीं खाए कम दिखाए, भांग खाना पूजा का टाइम है कोई खराब बात नहीं है। कैसा लगा आपको ये मंदिर, कैसा लगा आपको ये पूजा, आप लोग बताइएगा।
इधर देखिए कितना सुंदर से पूजा कर रहे हैं सब लोग मिलकर। मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है। बाहर में दुकान है, आपको पूजा का सामग्री सब दुकान में मिल जाएगा। हम लोगों ने उधर से अगरबत्ती और दूध लाया था तो मजा लगता है ऐसे पूजा में। तो पूजा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हम लोग अभी खिचड़ी देखे हैं, खिचड़ी खाएंगे। कविश ने टीका लगा लिया, कविश का पूजा खत्म हो गया। ये देखिए मैंने प्रसाद लिया है, पूरी सब्जी। हाँ ये खीर है। आज मंदिर लगा भी दिखाई दियो। हाँ अच्छा न्यूज है, खिचड़ी भी होगा बोल रहा है, लेकिन अभी हम लोग शायद खिचड़ी नहीं खा पाएंगे, देरी हो जाएगा। तो हम लोग ने खाली पूरी लिया है, पूरी सब्जी और खीर। खीर थोड़ा खा के देखेंगे। सॉरी, बहुत टेस्टी खीर है। सब्जी थोड़ा सा तीखा हुआ लग रहा है, मुझे थोड़ा तीखा से वो है, एलर्जी नहीं, तीखा इतना नहीं खा सकते हैं, तो खा के देखते हैं। तो हम लोग प्रसाद खत्म करते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो हो गया हम लोग का प्रसाद खाना। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि प्रसाद खाने को मिलेगा, ऑलमोस्ट फिनिश। तो बहुत अच्छा लगा प्रसाद। ये देखिए पूरी सब्जी और खीर, खीर बहुत टेस्ट था। खीर जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, हाँ बहुत अच्छा बनाया। हाँ आपने बनाया जैसा कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए मंदिर का कमेटी का मेंबर लोग सब इधर है और इन्होंने बनाया है खीर। हाँ देखिए खीर बहुत अच्छा था, लेकिन खीर बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत अच्छा से खाया। ये देखिए तो अच्छा लगा। हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना अच्छा मंदिर में हम लोग आएंगे, इतना ऐसा जगह में आएंगे और ऐसा प्रसाद खाएंगे। ये भगवान का ही दिन है। तो अभी देखिए खाना पक भी रहा है और भी। तो खाना हो गया हम लोगों का, प्रसाद। अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइएगा काइंडली। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।